Okay, dears, in this video, we will learn about the shoring and different methods of shoring or the systems of shoring. जैसे रेकिंग शोरिंग और इंक्लाइंड शोरिंग, फिर हॉरिजॉन्टल शोरिंग, वर्टिकल और डेड शोरिंग है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शोरिंग है ये पढ़ेंगे। फिर शोरिंग की डिटेल में आपको काम बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा, और इससे पहले हम जो डिफरेंट टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स थे उसके बारे में भी पढ़ के आए हैं, जैसे मैंने आपको इसके फोल्डिंग पढ़ाया था, फिर शोरिंग का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था, फिर अंडरपिनिंग है, सेंटरिंग है, ये भी हम पढ़ेंगे। आज शोरिंग के बारे में पढ़ेंगे। शोरिंग है कि एक्चुअली शोरिंग इज दी मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट टू एन अनसेफ स्ट्रक्चर। कोई भी अनसेफ स्ट्रक्चर हो उसको अगर हम टेम्परेरी सपोर्ट पढ़ाएंगे, उस मैकेनिज्म, टोटल मैकेनिज्म को फिर हम कहेंगे शोरिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, ये वाल है, ये वीक वाल है, या इसको किसी भी मीन्स की मदद से, किसी भी रीज़न की वजह से ये टेम्परेरी सपोर्ट, इंक्लाइंड सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इस इंक्लाइंड सपोर्ट को, इन सारी चीज़ों को हम कहेंगे शोरिंग। फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का वाल है, इस वाल, ये वाल वीक हो गया है, या इसके जो फाउंडेशन है वो वीक हो गई है, किसी भी रीज़न की वजह से ये इसके गिरने का खतरा है, तो हम क्या करेंगे कि इस मैकेनिज्म की मदद से हम इसको सपोर्ट देंगे, और इस सपोर्ट को हम कहते हैं शोरिंग। द टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइडेड टू एन अनसेफ स्ट्रक्चर, किसी भी अनसेफ स्ट्रक्चर को हम टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करें, और कैसे करते हैं, हम वॉल प्लेट लगाते हैं, फिर इसे रेकर्स लगाते हैं, ये टॉप रेकर है, ये बॉटम रेकर है, और इस तरीके से सोल प्लेट कनेक्टेड होता है, और इसकी मदद से, ये पूरी मैकेनिज्म की मदद से हम बिल्डिंग को क्या कर रहे होते हैं कि सेव कर रहे होते हैं। सो दिस इज द होल मैकेनिज्म, ये पूरा मैकेनिज्म जिसे मैंने प्रीवियस फिगर में था, पर इसके डेफिनेशन को पहले पढ़ते हैं। टेम्परेरी स्ट्रक्चर यूज ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन बेसिकली प्रोवाइड टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू एन अनसेफ स्ट्रक्चर प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम कोलैप्स, आल्सो कंट्रीब्यूट्स इन द अवॉइडेंस ऑफ डेंजर टू एनी पर्सन फ्रॉम इट्स कोलैप्स, ईटीसी, दैट इज कॉल्ड एज द शोरिंग। सिंपली अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड सपोर्ट टू एन अनसेफ स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज शोरिंग। और इसकी डेफिनेशन आपके एमसीक्यूज टेस्ट जो होते हैं, जिस तरह की फेडरल पावर सर्विस कमीशन की टेस्ट हो गई, या लेक्चरर लेवल इंजीनियर, या ऐसे टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं, उनमें आती है तकरीबन। सिंपली वो वर्ड लिखा आता है, सेंटेंस होता है कि टेम्परेरी सपोर्ट या टेम्परेरी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड सपोर्ट टू एन अनसेफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, फिर नीचे ऑप्शन होते हैं कि अंडरपिनिंग, सेंटरिंग, इसके फोल्डिंग, शोरिंग, ईटीसी, तो फिर आपको शोरिंग को सिलेक्ट करना है। और इसी तरीके से ये जो इसके फोल्डिंग है, अंडरपिनिंग है, सेंटरिंग है, इनकी भी डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ताकि इनके इससे रिलेटेड अगर एमसीक्यूज वगैरह आ जाएँ तो आपको क्लियरली क्लिक हो जाए कि ये कौन से टाइप ऑफ उसके टेम्परेरी वर्क की डेफिनेशन है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये पर्टिकुलर वाल है, ये वाल है, और ये अनसेफ है, ये इसके गिरने का खतरा है, तो फिर हम कैसे हम इसमें शोरिंग प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम वाल प्लेट लगाते हैं, ये जो प्लेट आपको नज़र आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द वाल प्लेट, दिस प्लेट, ये वाल प्लेट है। वाल प्लेट लगाने के बाद हम फिर नीडल लगाते हैं, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज नीडल, ये नीडल इंसर्ट किया गया है वाल प्लेट के अंदर और वाल में, इसे नीडल लगाते हैं, यहाँ पर भी नीडल लगा हुआ है, और नीडल और वाल प्लेट के ऊपर फिर हम क्लीट लगाते हैं, ताकि जब हम इंक्लाइंड सपोर्ट दें तो ये नीडल इससे डिस्प्लेस ना हो जाए। ये यहाँ पर क्लीट दे दिया है, क्लीट देने के बाद फिर हम रेकर इसके ऊपर लगाते हैं, नीडल के नीचे, नीडल के नीचे और बेस प्लेट के, वाल प्लेट के दरमियान, ऐसे समझो यहाँ पर, जैसे जिस मैकेनिज्म पे यहाँ पर दिखा दे रहा है ना, ऐसे हम रेकर बिछाते हैं, एक रेकर, दो रेकर, तीन रेकर, जितने भी रेकर्स देना चाहे आप दे सकते हो। दिस इंक्लाइंड शोर इज कॉल्ड एज रेकर। एक्चुअली रेकर देने के बाद यहाँ पर हम सोल प्लेट लगाते हैं, और सोल प्लेट के ऊपर रेकर्स को आके रखते हैं, और उनको मैकेनिज्म के साथ बांध देते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर हम ब्रेसेस भी देते हैं, ये दिस इज कॉल्ड ब्रेस, दिस इज आल्सो कॉल्ड ब्रेस, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द ब्रेसेस। ब्रेसेस देने के बाद ये हमारा मैकेनिज्म टोटली कंस्ट्रक्ट हो जाता है, और दैट विल प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ अगेंस्ट द वीकनेस आर ईटीसी, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है एक्चुअली दिस अनसेफ स्ट्रक्चर को, या अनसेफ वाल को। तो ये जो टेक्निकल टर्म्स थे, वाल प्लेट, नीडल, क्लीट, ब्रेसिस एंड रेकर एंड सोल प्लेट, ये आपको मैंने बता दिया है, ये क्लियर होने चाहिए आपको। ओके भाई, सो ये डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इस डेफिनेशन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और बाकी ये डेफिनेशन है, द टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइडेड टू एन अनसेफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज शोर, एंड द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज शोरिंग, ये भी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ आते हैं कि भाई हम शोरिंग प्रोवाइड करते क्यों हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ शोरिंग, व्हाई वी प्रोवाइड द शोरिंग। सो देर आर डिफरेंट रीजंस ऑफ प्रोवाइडिंग शोरिंग, देर आर मेजर फाइव रीजंस ऑफ प्रोवाइडिंग शोरिंग, वो कौन कौन से हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर रीजन ऑफ शोरिंग है, दैट इज दिस,
Shoring is used to support the stability of a structure. When the stability of a structure is at risk due to uneven settlement of at its foundation, that is why we call as that's why we provide the shoring. Agar uneven settlement ho jaye foundation mein, maine aapko pehle hi bata diya hai ki even uniform settlement aur jo uneven settlement hai usme kya fark hai. Uniform settlement mein पूरी की पूरी बिल्डिंग में यूनिफॉर्मली सेटलमेंट होती है, चाहे वो एक मिलीमीटर की हो या दो मिलीमीटर में की हो. लेकिन अनइवन सेटलमेंट क्या होता है कि भाई बिल्डिंग का जो एक साइड है वो फॉर एग्जांपल एक मिलीमीटर उसका सेटल हो जाए और दूसरे साइड दो मिलीमीटर या तीन मिलीमीटर सेटल हो जाए तो उसको हम कहेंगे अनइवन सेटलमेंट. और जो ये बारिशें हुई हैं इसमें तकरीबन बिल्डिंग्स में अनइवन सेटलमेंट्स हुई थी और उसकी वजह से आपको क्रैक्स दिखाई दे रहे होंगे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में या जो डोर्स एंड विंडोज़ के कॉर्नर हैं वहाँ पर आपको क्रैक्स दिखाई दे रहे होंगे वगैरह वगैरह. तो इस वजह से भी हम दे देते हैं, शोरिंग प्रोवाइड करते हैं. सेकंड इज डिमोलिशन ऑफ द साइड बिल्डिंग यूजेस शोरिंग टू स्टेबलाइज द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग. ये इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर आता हूँ. देखिए ये फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग है, ये पर्टिकुलर बिल्डिंग है और ये भी पर्टिकुलर बिल्डिंग है, ठीक है. और फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेंटर में भी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, यहाँ पर कोई ओल्ड बिल्डिंग होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेंटर में कोई ओल्ड बिल्डिंग होती और इसको अगर हम डिमोलिश करना चाह रहे होते हैं तो अगर इसको डिमोलिश करेंगे तो ये जो साइड वाली बिल्डिंग्स हैं इसको नुकसान पहुंचने का खतरा होता है. तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल शोर प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल शोर प्रोवाइड किया गया है. इस तरीके के हॉरिजॉन्टल शोर प्रोवाइड करते हैं ताकि इन जो साइड बिल्डिंग्स हैं उनकी स्टेबिलिटी को कोई भी खतरा ना हो. तो उसी पॉइंट को यहाँ पर बता रहा है कि डिमोलिशन ऑफ द साइड बिल्डिंग यूजेस शोरिंग टू स्टेबलाइज द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग. एग्जिस्टिंग बिल्डिंग वहाँ पर है और बीच में या साइड में डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग है, तो डिमोलिश करना चाहे हो आप बिल्डिंग को तो फिर हम शोरिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है वो सेफ रह सके. थर्ड इज मेन द कंस्ट्रक्शन स्टेबिलिटी एट रिस्क ड्यू टू पुअर वर्कमैनशिप एंड ओल्ड कंस्ट्रक्शन. कोई भी ओल्ड कंस्ट्रक्शन है या वर्कमैनशिप आप कर रहे हो और वो पुअर वर्कमैनशिप है, मेसंस सेफ्टी का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो वहाँ पर फिर आपको शोरिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर इस तरीके की कोई मैकेनिज्म आपके सामने आ जाता है या सिचुएशन आपके सामने आ जाती है. उसके बाद है कि भाई मेन द स्ट्रक्चर इज अनसेफ ड्यू टू ऑनगोइंग रिपेयर्स इन द एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन. जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम कर रहे हो तो वहाँ पर अगर कोई ये चीज़ ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो फिर आपको शोरिंग प्रोवाइड करनी चाहती है करना शोरिंग प्रोवाइड करते हो अगर कोई भी अनसेफ स्ट्रक्चर या अनसेफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आपके सामने आ जाता है. फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है उसको आप रिपेयर कर रहे हो और उसकी वजह से दूसरा जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है वो अनसेफ हो जाए तो फिर आपको शोरिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि जो ऑलरेडी सेफ स्ट्रक्चर है वो तो सेफ रहे और रिपेयर और मेंटेनेंस की वजह से कोई सेफ स्ट्रक्चर अनसेफ ना हो जाए. फिफ्थ इज इन एडिशन शोरिंग इज यूज टू सपोर्ट दी स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द इम्प्रूवमेंट्स. कोई भी इम्प्रूवमेंट्स हैं या ये सेम चीज़ आ गई आपके रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले चक्कर. रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इम्प्रूवमेंट है, डिमोलिशन है, इसकी वजह से अगर साइड वाली बिल्डिंग को या साइड वाले स्ट्रक्चर एलिमेंट को खतरा होगा तो भी हम शोरिंग प्रोवाइड करेंगे. सो ये पाँच रीज़न है जिसकी वजह से हम शोरिंग प्रोवाइड करते हैं. एक्चुअली देर आर एक्चुअली थ्री सिस्टम्स ऑफ शोरिंग, रेकिंग आर इंक्लाइंड शोरिंग, फ्लाइंड आर हॉरिजॉन्टल शोरिंग एंड डेड आर वर्टिकल शोरिंग. रेकिंग आर मतलब तीन कह सकते हो, रेकिंग, फ्लाइंग एंड डेड शोरिंग या इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शोरिंग. रेकिंग को हम इंक्लाइंड शोरिंग भी कहते हैं, फ्लाइंग को हम हॉरिजॉन्टल शोरिंग भी कहते हैं और डेड को हम वर्टिकल शोरिंग भी कहते हैं. वन बाई वन इनको पढ़ते हैं. रेकिंग शोरिंग, ये रेकिंग शोरिंग में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फिगर दिखाया था, उसमें ये रेकिंग शोरिंग दिखाई दे रहा था आपको, जिसमें फॉर एग्जांपल ये कोई अनसेफ वॉल है, इसको हम सपोर्ट देना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बेस वॉल प्लेट कंस्ट्रक्ट करें, वॉल प्लेट लगाएंगे और उसके बाद नीडल लगाएंगे, फिर क्लीट लगाएंगे, क्लीट के बाद हम रेकर्स लगाएंगे और उनको सोर प्लेट के साथ कनेक्ट करेंगे और ब्रेसेस लगाएंगे. सो ये होल मैकेनिज्म विल बी दी रेकिंग शोरिंग और इंक्लाइंड शोरिंग, जिसमें हम इंक्लाइंड शोर्स या इंक्लाइंड ब्रेसेस लगाएंगे तो उनको हम कहेंगे इंक्लाइंड शोरिंग. इन दिस मेथड द इंक्लाइंड मेंबर इज यूज टू सपोर्ट द वॉल एंड दैट इज कॉल्ड एज द रेकर एंड द अदर आल्सो देर आर द मेंबर्स ऑफ द दिस इंक्लाइंड शोरिंग दैट आर द फॉर एग्जांपल वॉल प्लेट है, नीडल है, क्लीट है, ब्रेसेस है, सोल प्लेट है, ईटीसी. ये मैंने आपको पहले ही बताए हुए हैं कि कौन कौन से मेंबर को क्या क्या आ जाता है, वॉल प्लेट, ब्रेसेस, ईटीसी. तो दीज एक्चुअली जो इंक्लाइंड शोर्स हैं या रेकिंग शोर हैं दे कैन बी ऑफ थ्री टाइप, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल. ये सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ दी रेकर्स यूज्ड. फॉर एग्जांपल इसमें अगर एक रेकर यूज होगा तो उसको हम सिंगल
रेकिंग शोर बोलेंगे, अगर दो रेकर्स यूज होंगे तो उसको हम दो डबल रेकर शोर बोलेंगे, और तीन होंगे तो ट्रिपल रेकिंग शोर बोलेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पर गिवन है। देखिए इसको हम सिंगल रेकर शोर रेकिंग शोर बोलेंगे, इसको हम डबल रेकिंग शोर बोलेंगे, और इसको हम ट्रिपल रेकिंग शोर बोलेंगे, क्योंकि इस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रेकर यूज हो रहे हैं, यहाँ पर दो रेकर यूज हो रहे हैं, और यहाँ पर तीन रेकर यूज हो रहे हैं। और यहाँ पर हमने मैंने आपको एक साइट की का एग्जांपल दे दिया है। फॉर एग्जांपल ये कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग में देखें यहाँ पर रेकिंग और इंक्लाइंड शोर्स लगाए गए हैं, जिसमें ये है फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेकर है, ये एक फर्स्ट रेकर है, ये सेकंड रेकर है, और ये फॉर एग्जांपल थर्ड रेकर है। तीन रेकर्स यहाँ पर पड़ गए हैं, और यहाँ पर इनका सोल प्लेट होगा या और ये वाल प्लेट होगा, वाल प्लेट के साथ रेकर्स और उसके बाद सोल प्लेट, और इस पूरे मैकेनिज्म को हम कहेंगे कि ये इंक्लाइन रेकिंग और या इंक्लाइन रेकर्स यहाँ पर लगाए गए टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू दिस पर्टिकुलर अनसेफ स्ट्रक्चर। ओके, फ्लाइंग और हॉरिजॉन्टल शोरिंग की तरफ आते हैं। इन दिस पर्टिकुलर दिस शोरिंग इज यूज टू सपोर्ट टू एडजेसेंट पैरेलल वॉल्स आर टू एडजेसेंट पैरेलल बिल्डिंग्स। दो अगर एडजेसेंट पैरेलल बिल्डिंग्स हैं उनके दरमियान अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो, कोई भी फॉर एग्जाम्पल खाली प्लाट पड़ा हुआ है, ये भी घर कंस्ट्रक्टेड घर है, यहाँ भी कंस्ट्रक्टेड घर है, और बीच में खाली प्लाट पड़ा हुआ है, उस प्लाट में आप अगर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर एग्जीबिशन स्टार्ट करोगे। इस एग्जीबिशन की वजह से क्या हो सकता है कि ये साइट वाले घरों को भी मसला हो सकता है, उनकी स्टेबिलिटी को नुकसान हो सकता है और फाउंडेशन को नुकसान हो सकता है। उस फाउंडेशन के नुकसान को बचाने के लिए या इन बिल्डिंग्स को नुकसान से बचाने के लिए हम फिर क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल शोर्स प्रोवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टल शोरिंग प्रोवाइड करते हैं इस मैकेनिज्म में, जिसमें इस बिल्डिंग को भी हम बेस प्लेट लगा देते हैं, इस प्लेट में वाल प्लेट लगा देते हैं एक्चुअली, फिर ये इंक्लाइंड सॉरी हॉरिजॉन्टल बीम हम यहाँ पर लगा देते हैं, इस हॉरिजॉन्टल बीम को हम कहते हैं स्ट्रट, ऐसे हॉरिजॉन्टल बीम हम लगा देते हैं, इसकी मैकेनिज्म से ये इसको भी स्टेबिलिटी, इस साइड वाले बिल्डिंग को भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, साइड वाले बिल्डिंग को भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, फिर आप एग्जीबिशन भी कर सकते हो और कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो। और सेम एग्जांपल दूसरी सिचुएशन के लिए भी ये वैलिड है कि भाई यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग है, बीच में कोई बिल्डिंग है, ओल्ड बिल्डिंग है, उसको अगर आप डिमोलिश करना चाह रहे हो और चाह रहे हो कि भाई यहाँ पर साइड वाले बिल्डिंग्स को नुकसान ना पहुँचे, तो फिर आप हॉरिजॉन्टल शोरिंग या फ्लाइंग शोरिंग यहाँ पर दे सकते हो। हॉरिजॉन्टल शोरिंग एक्चुअली फ्लाइंग शोरिंग जिसको हम कहेंगे। सो यहाँ पर ये फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर भी एक बिल्डिंग है, यहाँ पर भी एक बिल्डिंग है, इन दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान क्या करोगे आप, पहले आप वॉल प्लेट लगाओगे दोनों साइड से, फिर हॉरिजॉन्टल बीम जैसे ये हॉरिजॉन्टल बीम है ये आप लगाओगे, और उसके बाद स्ट्रट भी लगा दोगे। हॉरिजॉन्टल बीम देने के बाद यहाँ पर एक मैकेनिज्म होता है, और उस मैकेनिज्म से फिर यहाँ से स्ट्रट निकलता है और ये इस पर्टिकुलर वॉल के साथ कनेक्ट होता है। सो इस मैकेनिज्म से आप हॉरिजॉन्टल शोरिंग या फ्लाइंग शोरिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। जैसे ये एग्जांपल है इसका हॉरिजॉन्टल और फ्लाइंग शोरिंग का, ये हॉरिजॉन्टल शोरिंग और फ्लाइंग शोरिंग, और ये भी हॉरिजॉन्टल और फ्लाइंग शोरिंग है, लेकिन इसको हम ट्रेंच शोरिंग भी कहते हैं। दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्रेंच शोरिंग स्ट्रक्चर, जिसमें फॉर एग्जाम्पल कोई भी ट्रेंच आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और उसमें जो सॉइल है उसके गिरने का खतरा हो, तो फिर हम ऐसे हम हॉरिजॉन्टल शोरिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम ट्रेंच शोरिंग भी कहते हैं। यहाँ पर देखें कोई अगर कोई ऐसी काम की चीज़ है, तो हॉरिजॉन्टल बीम नोन एज हॉरिजॉन्टल स्ट्रट इज प्रोवाइडेड एंड द मेंबर इज नोन एज स्ट्रट, हॉरिजॉन्टल स्ट्रट प्रोवाइड करते हैं ईटीसी। ये सेम चीज़ें जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। ओके, नेक्स्ट है डेड शोरिंग। डेड शोरिंग को हम वर्टिकल शोरिंग भी कहते हैं, और दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ शोरिंग इज यूज टू सपोर्ट द डेड लोड ऑफ स्ट्रक्चर। डेड लोड ऑफ स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए हम ये वर्टिकल शोरिंग या डेड शोरिंग कहते हैं। दिस शोरिंग सिस्टम ऑफ शोरिंग वर्क्स टू सपोर्ट द डेड लोड सच एज वॉल्स एंड अदर्स फ्लोर्स रूफ सीटीसी। द टाइप ऑफ शोरिंग प्रोवाइड्स वॉल ओपनिंग्स एंड रीबिल्ड्स द वॉल बाय रिमूविंग डिफेक्टिव ओल्ड बियरिंग्स, और इट सपोर्ट्स द स्ट्रक्चर टू फॉर्म अ न्यू वॉल बाय रिमूविंग द लोअर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। कहना क्या चाह रहा है कि भाई अगर कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वॉल है
उसको उसकी बॉटम पोर्शन को अगर आप रिमूव करना चाह रहे हो और उसकी जगह पर न्यू वाल आपका स्ट्रक्चर करना चाह रहे हो तभी ये डेड शोरिंग यूज़ कर सकते हो। या कोई भी वाल है वहाँ पर आप विंडो या डोर ओपनिंग देना चाह रहे हो तो तभी भी आप डेड शोरिंग यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो ये पर्टिकुलर फिगर है, इसमें ये सारी चीज़ें की एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर फिगर बना के आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर वाल है, देखें ये पर्टिकुलर वाल है और हमें क्या करना है, यहाँ पर विंडो ओपनिंग देनी है या डोर ओपनिंग देनी है, यहाँ पर डोर ओपनिंग देनी है। तो फिर क्या करेंगे हम, डोर ओपनिंग के से थोड़ा ऊपर हम यहाँ पर एक बीम वाल में इंसर्ट करेंगे। इस तरीके से हम बीम हम वाल में इंसर्ट करेंगे और वहाँ यहाँ पर फिर एक कॉलम जनरेट कर देंगे, कॉलम दे देंगे यहाँ पर नीचे, और इस कॉलम को हम कहते हैं डेड शोर या वर्टिकल शोर। ये जो कॉलम हमने दिया ना इसको हम कहेंगे डेड शोर या वर्टिकल शोर। अब क्या होगा, ये जो वाल है उसका लोड टोटल लोड बीम पर आएगा और बीम का टोटल लोड ये डेड शोर्स पे आएगा, और ये जो नीचे वाला जो भी स्ट्रक्चर है वाल का वो अब फ्री ऑफ लोड हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो वाल है इसको सिंपली रिमूव करके और यहाँ पर हम रूफ ये आपका डोर भी दे सकते हैं, विंडो भी दे सकते हैं, जो भी आपको स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है इसके नीचे वो कर सकते हो। या सिंपली ऐसे भी कर सकते हो कि नीचे यहाँ पर ये ओल्ड वाल है, अगर इसको रिमूव करके यहाँ पर न्यू वाल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। जैसे ये कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आप यहाँ से डेड शोर से रिमूव कर सकते हो। वही चीज़ यहाँ पर फिगर में भी गिवन है, देखें ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने वाल ओपनिंग देनी है या डोर ओपनिंग देनी है, तो यहाँ पर क्या क्या किया इन्होंने, हॉरिजॉन्टल बीम प्रोवाइड किया है। हॉरिजॉन्टल बीम प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर वर्टिकल कॉलम दिया है जिसको हम दी डेड शोर्स कहते हैं, और यहाँ पर भी दे दिया है इन्होंने डेड शोर्स, लोड ट्रांसफर हो रहा है। सो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर एक सिर्फ और सिर्फ एक डेड शोर नहीं देंगे, बहुत सारे डेड शोर्स देंगे डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन। जैसे यहाँ पर देखें कितने डेड शोर्स दिया हुआ है इन्होंने, ये सेक्शनल एलिवेशन है, ये साइड एलिवेशन है। साइड एलिवेशन में देखें हमें कितने डेड शोर्स नजर आ रहे हैं, तीन। एक ये सेटअप दे दिया इन्होंने डेड शोर का, एक ये सेटअप, एक ये सेटअप दे दिया, तीन डेड शोर्स दे के और फिर इन्होंने वाल जो डोर ओपनिंग है वो इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। ये जो डोर ओपनिंग आपको नजर आ रहा है ये इन्होंने कंस्ट्रक्ट कर दिया सिंपली, या यहाँ पर वाल अगर कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सो इस मेकेनिज्म से डेड और वर्टिकल शोर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं सिंपली टू टेक द डेड लोड ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक और फिगर है, यहाँ पर देखें ये फिगर, यहाँ पर ये बीम है एक्चुअली फॉर एग्जाम्पल, और ये डेड शोर्स हैं। इस वाल का जो टोटल लोड है अब ग्राउंड पे आ रहा है और ये जो स्पेस है ये बिल्कुल खाली हो गया है, और इस स्पेस पे या तो ये न्यू वाल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या यहाँ पर डोर या विंडो ओपनिंग दे सकते हैं, जो डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट्स। सो इस तरीके से हम डेड शोरिंग या वर्टिकल शोरिंग प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द डेड शोरिंग और वर्टिकल शोरिंग। सो हमने तीन शोरिंग टाइप्स ऑफ शोरिंग पढ़े, जिसमें रेकिंग और दी इंक्लाइंड शोरिंग था, उसके बाद फ्लैंग और हॉरिजॉन्टल शोरिंग था, उसके बाद डेड एंड वर्टिकल शोरिंग है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अंडरपिनिंग एंड दी मेथड्स ऑफ अंडरपिनिंग।